आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रश्मि साबले। मेरी इस कविता में एक बेटी अपनी माँ से प्रश्न कर रही है कि माँ तो सुनाती है कथाएं अनेक, देवों की, दैत्यों की, वेदों की, पुराणों की, रामायण की, महाभारत की। माँ, एक सवाल है जो पल पल मन में उठता है और ये नारी मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता है। द्रौपदी ने कृष्ण को ही मदद के लिए क्यों पुकारा? गांधारी भी तो थी महल में, गांधारी भी तो थी महल में, अपने आंखों की पट्टी खोलती तो उसका भी शरीर वज्र का बन जाता। फिर दुशासन तो क्या कोई महाबली उसे घसीट नहीं पाता। कुंती भी तो थी, कुंती भी तो थी शक्ति से ओतप्रोत, फिर क्यों हमने देखा एक पुरुष में ही शक्ति का स्रोत? कभी सोचा है हमने, कभी सोचा है हमने, ये गाथाएं हैं समाज का दर्पण। कल भी कोई स्त्री स्त्री की मदद नहीं करती थी, आज भी कोई औरत औरत को नहीं समझती। जब तक एक औरत को नहीं समझेगी, उसके लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाएगी, कहीं कोई सास या ननद अपनी ही बहू या भाभी को जलाएगी। सोचने वाली बात है कि ये चारों ही रिश्ते स्त्रीलिंग है, पुरुषों का तो नामो निशान नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पुरुषों ने तो जुल्म किया ही नहीं। जो सच्चे पुरुष होते हैं वो तो जुल्म करते ही नहीं। ये गाथाएं पल पल हमें एक ही सबक सिखलाएंगी, जब तक सुनसान सड़क पर चलती हुई द्रौपदी को बचाने कोई सीता, राधा या रुक्मणी नहीं आएगी, महाभारत हर दौर में अपने आप को दोहराएगी। महाभारत हर दौर में अपने आप को दोहराएगी। धन्यवाद।